खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक का हुआ तबादला, उनकी जगह अब ललितपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे गोपाल कृष्ण चौधरी। ललितपुर जिले में देर शाम मुहर्रम के त्योहार को लेकर नगर में निकाला गया जुलूस, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की चाक चौकस व्यवस्था रही। हर चौराहे पर पुलिस का रहा कड़ा पहरा और जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया मुहर्रम का त्योहार। ललितपुर जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में शासन द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित 37 प्रपत्रों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। ललितपुर जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत 11 से 17 अगस्त के मध्य स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा तथा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया। ललितपुर जिले के मैरोनी कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा अमर सिंह, भाजपा नेता एवं प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के पुत्र चंद्रशेखर पंत ने किया। यात्रा का शुभारंभ कस्बे के रामलीला मैदान से हुआ, जो पुराना बाजार, बानपुर चौराहे, गांधी चौक, इंदिरा चौराहे, मंडी रोड होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां सभी ने अमर शहीद राजेंद्र शुक्ल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते प्रगति रक्तदान सेवा समिति की प्रमुख महिला सदस्य ऋचा अग्रवाल ने 9वीं बार किया रक्तदान और एक जरूरतमंद वाल्मीकि परिवार की महिला मधु वाल्मीकि को रक्तदान किया। इस मौके पर महिला अध्यक्ष सोनम झा, अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमर राठौर ने रक्तदान महादान करने वाली ऋचा अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के हेतु नगर पालिका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। देश भर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सभी लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगा कर तिरंगे के प्रति गहरा जुड़ाव और सम्मान पैदा कर। ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ला में आगामी 20 अगस्त को हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फहराया जाएगा तिरंगा। ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत तालबेट कस्बे में स्कूली छात्र छात्राओं एवं कस्बे के लोगों ने आजादी के 75वें और अमृत महोत्सव पर भव्य तिरंगा यात्रा अभियान अंतर्गत हर घर तिरंगा रैली निकालकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। रैली में सभी छात्र छात्राएं द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गान गाया।
और भारत माता की जय के नारों से कस्बा गूंज उठा। इस मौके पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह उर्फ गोलू राजा, नगर पालिका अध्यक्ष मुक्ता सोनी, तालबेट कोतवाली प्रभारी विनोद मिश्रा, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुशवाहा, मंडल महामंत्री नीरज पटेरिया, जिला मंत्री अल्पसंख्यक अकरम खान, मोन्टू राजा और सैकड़ों की संख्या में कस्बा के लोग मौजूद रहे। झांसी में ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन के आह्वान पर रेल बचाओ देश बचाओ के तहत एनसीआर एमयू की शाखा 3 के अंतर्गत झांसी के पदाधिकारियों तथा सक्रिय सदस्यों ने भोजन अवकाश पर रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शाखा मंत्री एस के द्विवेदी ने सभा को संबोधित किया तथा कर्मचारियों को जागरूक किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आइए डालते अब एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहां निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है? सोनम झा। कहां से आए? हम यही ललितपुर से निवास करते हैं, चौबियाना मोहल्ला। क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि लगभग 70 वर्ष से हम अपने पैतृक मकान में निवास करते हैं। हमारी माताजी का अपने पिताजी के मकान में निवास करती हैं, उन्हीं के साथ हम भी रहते हैं। तो कुछ दबंगों, कुछ भूमाफियाओं द्वारा जबरदस्ती हमारे मकान पे कब्जा किया जा रहा है। फर्जी बैनामा के आधार पर हमारे घर में कब्जा किया जा रहा है, हम घर की तोड़फोड़ की जा रही है। कौन लोग हैं, क्या नाम है? उनका नाम है भरत सोनी, सन ऑफ सुंदरलाल सोनी, भागीरथ सोनी, सन ऑफ सुंदरलाल सोनी। ये चौबियाने के ही निवासी हैं। ये बहुत बड़े दबंग भूमाफिया हैं। ये यही देखते हैं कि कौन असहाय है, कौन लाचार है, उसकी ज़मीन पर फर्जी रजिस्ट्री करवा के और ये लोग कब्जा कर लेते हैं। हमारे परिवार के ही लोगों ने फर्जी वारसान बनवाया, उसके आधार पर फर्जी रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री कर इनको सौंप दिया। अब ये मतलब जबरदस्ती उस पर हमने इनको कब्जा कर रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं। जब हमने रोका तो देखिए हमारे साथ ये मारपीट की गई। देखिए ये पूरा बदन में हमारे चोटें आई हैं। उसके बाद जब हम चौकी पहुंचे कंप्लेन लेके, तो थाने चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने हमें पिटवाया, उन लोगों से कहा कि मारो इसको। और हमें यहाँ पिटवाया, उनके आधे परिवार के लोगों से वहाँ मकान का निर्माण कराया। इस तरीके की दबंगयाई चल रही है, मतलब कि योगी आदित्यनाथ सरकार में भी ऐसे करप्ट ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो सरकार और प्रशासन का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी सर? आज कहाँ आए? आज हम यहाँ पर डीएम सर के ऑफिस में आए हैं अपनी प्रार्थना पत्र लेके। डीएम साहब से मुलाकात? मुलाकात तो नहीं हो पाई है, स्टेनो सर ने उनके ले लिया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि उस पर औचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।